राम राम सभी को। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, इस कंपनी का IPO आने वाला है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इससे इसके अंदर में डीप में थोड़ी सी जानकारी लेने से पहले हम थोड़ी सी एक और चीज़ के ऊपर चर्चा करना पसंद करेंगे। ये भी रिसेंटली जितने भी IPO 2024 के अंदर में खुले हैं, लगभग 22 IPOs खुले हैं, जिनमें से 11 IPOs ही प्रॉफिट में खुल रहे हैं, और जब 9 बाकी के जो IPOs हैं वो लॉस में खुले हैं 24 में, जो जो भी IPO आए हुए हैं। तो यहाँ पर IPOs के अंदर में भी अभी कुछ जो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा ही लॉस की तरफ में जा रहा है, डाउनवर्ड साइड में जा रहा है करेक्शन की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ये थोड़ा सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले लग रहा था कि एक मत सरकार बनेगी फ्यूचर के अंदर में, बट अभी थोड़ा सा संदेह है उस बात पे, थोड़ा सा एक मत सरकार बनने के ऊपर संदेह बन रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको दो डेटा, एक डेटा और मिल रहा है कि जो कि IPO जिस दिन खुलता है उसी दिन एट द एंड ऑफ द डे तक 12 IPOs पॉजिटिव में रहे हैं, जबकि 8 IPOs नुकसान में रहे हैं। तो ये डेटा थोड़ा डरावना है। तो IPO जो मार्केट है, IPO का मार्केट है, उसमें भी काफ़ी सारी कंपनियाँ जिनमें मतलब अच्छी जो कंपनियाँ आती हैं, तो उनका थोड़ा हमें ध्यान रख के ही उनमें अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा। और सेकेंडली, IPO मार्केट के अंदर में दूसरा एक ये भी कारण है कि जो भी कंपनी IPO लेके आ रही है वो ऑल टाइम मार्केट हाई को देख के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यू लगाने की कोशिश करें, जबकि उन कंपनीज में इतनी वैल्यू है नहीं, इसलिए थोड़ा सा बच के उस कंपनी में IPO में पैसा लगाइए। और IPO के बाद में भी अगर आपको मिलता है, नहीं मिलता है, तो भी आप कंपनी को थोड़ा सा मतलब स्टडी कीजिए कि ये कंपनी आज के दिन इस वैल्यू के ऊपर में पैसा लगाने लायक है भी या नहीं भी है, राइट? तो इतना जल्दी कूदिए मत पुराने पास्ट परफॉर्मेंसेस IPOs को देखने के बाद में, क्योंकि अभी मार्केट की हालत थोड़ी सी डाउनवर्ड साइड में चल रही है, करेक्शन की मोड में चल रही है, थोड़े से फियर मोड में चल रही है। इसी के साथ में अब चलो हम IPO की बात करते हैं कि किस कंपनी का SRM कॉन्ट्रैक्टर्स इस कंपनी का IPO खोलने वाला है। और इसके जो डिटेल्स हैं, तो उसके अंदर जाने से पहले एक चीज़ और जो जिसको हम देखना पसंद करें, जो कि GMP प्राइस। सो GMP प्राइस इस कंपनी का देखा जाए तो 11% पॉजिटिव में था कल के दिन, और आज के दिन जो है 14% पॉजिटिव की तरफ, मतलब GMP प्राइस जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है और बढ़ रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी हम चर्चा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी हम देखने की थोड़ी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जो फियर फैक्टर है और कंपनी को हम थोड़ा सा जो समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा फियर फैक्टर थोड़ा सा कंट्रोल रहे। अब यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, जैसे कि इसके लोगों को अगर देखते हैं तो रोड का साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सो बेसिकली रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। सो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स लेती है और उनके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, टनल के प्रोजेक्ट्स हो गए। सो बेसिकली रोड बेस्ड ही काम ये कंपनी मैक्सिमम करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी कौन कौन से काम करती है, सो ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन तीनों काम करती है। मतलब कंपनी ने गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद में इंजीनियरिंग किया कि किस तरीके से मतलब रोड बनेगा, उसका पूरा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट माल कौन कौन सा लगेगा प्रोक्योर किया और कंस्ट्रक्शन किया। सो इस तरह से कंप्लीट काम करती है। इसी के साथ में रोड प्रोजेक्ट्स तो बनाने का काम करती है, साथ में ही जो पुरानी रोड्स बनी हुई हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का या फिर रिन्यू करने का काम करती है। बेसिकली ये कंपनी जो है जम्मू कश्मीर बेस्ड कंपनी है, सो एक इसके लिए भी उधर की जो टनल बेस्ड जो जितने भी काम हो रहे हैं, ये इस कंपनी को इजीली थोड़े से मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी जिन जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं, उन्होंने उनको इसने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, मतलब कंपनी को खुद को ही इंडिविजुअली मिले हैं। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि जॉइंट वेंचर्स में मिले हैं, जो कि कंपनी को इंडिपेंडेंटली नहीं मिले हैं। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जब बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स दे रही होती है, तो छोटी कंपनी जिसने अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाला नहीं है, उनको देने में थोड़ी सी हिचकिचाती है, तो कई बार कंपनी को जॉइंट में प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। तो काफ़ी सारे तो इसने इंडिविजुअली उठाए, काफ़ी सारे ये कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जॉइंट वेंचर में भी उठाए हुए हैं। इसी के साथ मैं कंपनी की किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी काम कर रही है आज के दिन में और फ्यूचर में कैसे काम कर सकती है, उसकी थोड़ी सी अगर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग अब ये देखो, ये थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट है, इस पर डेटा जो है थोड़ा सा आजकल पता नहीं क्यों इतना गड़बड़ाया हुआ आता है, मतलब ये ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ चित्तौड़गढ़ के, आई डोंट नो। सो इस पर थोड़ा सा रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कंपनी की जो RHP है उसी के ऊपर में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर RHP के अंदर में देखते हैं, तो कंपनी जो एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 2023 का जो डेटा दिया था, उसमें कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर अभी 9 महीने के अंदर में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स कम कर चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये 28 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कमा लेगी।
इसी की बेसिस के ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके वजह से पी और पी बी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 28 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो आता है वो 17 का आता है। तो इसी को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं जो कि कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं उनके साथ में, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस कंपनी भी को भी मार्केट कहाँ वैल्यू दे सकता है या फिर कहाँ तक ले जा सकता है या फिर वापस उठा के नीचे पटकने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपनियाँ उनको वैल्यू दे रखी है कहीं ना कहीं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। तो यहाँ पे मान इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसको 23 का पी रेशियो है, इसका मतलब इसके मुकाबले हमारे जो आई पी ओ लेके आ रही कंपनी सस्ती है। इसका भी 23 है। आई टी डी सीमेंटेशन लिखिता का जो कंपनी है इसका 15 का है, सो इसके मुकाबले कम कमाई कर रही है आई पी ओ जो कंपनी लेके आई है। दिलीप बिल्डकॉन ये बिल्डिंग बनाने का मोस्टली काम करती है, सो इसको हम लोग अगर साइड में रखें तो बेटर रहेगा। जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट ये अच्छा काम करती है, तो इसका 10 का पी रेशियो, सो इसके मुकाबले भी महंगी मतलब अच्छी कमाई नहीं कर रही है। के एन आर इस ये भी जो है रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो इसका भी 12 का है। सो जो कि इस कंपनी के फील्ड में डायरेक्ट कंपटीशन में है उनके मुकाबले ये कंपनी थोड़ा सा कम कमाई कर रही है, जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले। तो यहाँ पर एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का पी बी रेशियो किस तरीके से काम कर रहा है, इस कंपनी ने अपनी वैल्यू कितनी ऊपर लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से। सो अगर उसकी बात करते हैं तो कंपनी की जो आज के दिन नेटवर्थ है वो 84 करोड़ रुपीज़ की कंपनी बता रही है कंपनी अपनी आरएसपी के अंदर में। सो इस डेटा पे मत जाइए, नेटवर्थ यहाँ पे 37 करोड़ है, क्योंकि ये डेटा थोड़ा गलत है ऊपर नीचे, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ चित्तौड़गढ़ वेबसाइट या फिर कोई दूसरी वेबसाइट जो मार्केट में है जिन जो इन पर डेटा कहीं ना कहीं से उठा के डाला जाता है तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो आप डायरेक्ट आरएचपी जो होती है कंपनी जारी करती है उसके ऊपर रिलाई कीजिए, वो बेटर और सही चीज़ रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का पीबी रेशियो, सो कंपनी का नेटवर्थ आज के दिन 84 करोड़ रुपीस है और कंपनी यहाँ पर जो पैसा उठा रही है वो उठा रही है 130 करोड़ रुपीस। सो यहाँ पर कंपनी की जो नेटवर्थ हो जाने वाली है वो 84 प्लस 130 करोड़ रुपीज़, और इसके वजह से अगर 10 करोड़ का हम खर्चा भी निकाल देते हैं 20 करोड़ उसको भी गायब कर देते हैं, तो यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास में कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर देखते हैं कंपनी पूरी वैल्यू कितनी लगा रही है कंपनी खुद की, तो वो है 481 करोड़ रुपीज़। इसके हिसाब से हमें मिल जाता है कि 2.5 का पी बी रेशियो। सो 2.5 का जो पी बी रेशियो होता है उसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं सो वो निकल के आता है कंपेयर करके देखते हैं तो मान इंफ्रास्ट्रक्चर का 6 का है, सो इसके मुकाबले वैल्यू कंपनी कम लगा रही है अपनी। यहाँ पर इसका 4 का है, लिखिता का 3.5 का है, जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का 1.8 का है, के एन आर फोन का 2.31 का है। सो देखा जाए तो पी बी रेशियो में भी जो इस सेगमेंट की इस सेक्टर की जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी बी रेशियो भी जो मार्केट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है उनका ज़्यादा बेटर है। मतलब ये वैल्यू भी ज़्यादा लगा रही है और कमाई भी कम कर रही है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं, सो उससे वैसे पहले देख लेते हैं कंपनी का जो आईपीओ है वो कब से कब तक आ रहा है। तो ये 26 से 28 के बीच में खुला हुआ रहेगा और 210 का कंपनी ने प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट या फिर कंपनी की आरएसपी के अंदर में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास में आज के दिन अगर देखा जाए तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आज के पास में ऑर्डर बुक है, मतलब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंपनी को मिल चुके हैं, कंपनी उन पे काम कर रही है या फिर करने वाली है फ्यूचर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑर्डर बुक को अगर, तो 1100 करोड़ के कंपनी के पास में आज के दिन प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिन पर कंपनी काम कर रही है, काम करना भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर 1200 करोड़ का, सो दैट्स ए गुड ऑर्डर बुक एक्चुअली, राइट। तो और फ्यूचर के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो और भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं कंपनी को अच्छे वैल्यू के ऊपर में। और कंपनी जिस तरीके से ऊपर बढ़ रही है तो जैसे जैसे कंपनी का साइज़ बढ़ता जाता है कंपनी को बड़े ऑर्डर वैल्यू के जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में कंपनी की अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स को भी देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का कुछ खास है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होता है कि पेमेंट नहीं टाइम पर आता है। सो कंपनी के हमने देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स, तो वहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में भी कुछ खास यहाँ पर मतलब डिफरेंस नज़र नहीं आए। तो ये भी अच्छा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, टाइम पर पैसा पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 10 करोड़ ही यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में है, पहले 15 थे अभी 10 ही हैं। सो टाइम पर पेमेंट भी हो रहा है, सो वो भी कोई इश्यू है नहीं।
नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी की आज के दिन में आईपीओ लेके कौन आ रहा है, तो ये कोई दूसरी कोई मतलब जानी मानी कंपनी नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे लीड मैनेजर में। सो इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी लेके आ रही है, जैसे कि कोई बड़ा नाम ICICI SBI उस टाइप से नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या करते हैं, बड़ी हाई वैल्यू लगाते हैं आईपीओज के अंदर में। सो वहाँ पर हमें अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिल पाती है, यहाँ पर हमें अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है बट स्टिल इतनी अच्छी भी नहीं मिल रही है। सो ऑन द बेसिस जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन आज के दिन अगर देखा जाए, तो मार्केट कंडीशन थोड़ी सी डिमिनिशन लेवल में चल रही है और इतनी कुछ खास वैल्यू मिल भी नहीं रही है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तो मुझे नहीं लगता कि इस आईपीओ के अंदर में भी अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आपके पास में बहुत दिन हो गए हैं, खुजली हो रही है लगाने की आईपीओ में, तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इतनी बुरी भी कंपनी दिख नहीं रही है, फ्यूचर के अंदर में अच्छा कर सकती है अगर ये पूरा सेक्टर ही चलता है। क्योंकि अभी क्या है कि जो कंपनियां बिल्डिंग सेक्टर में हैं, जो कि बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, वो सेक्टर की कंपनियां चल रही हैं। जो रोड वाली सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो कि मोस्टली रोड या गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, उनकी जो कंपनियां वो जो कंपनियां वो भी इतना कुछ खास कर नहीं रही हैं। सो फ्यूचर में अगर इनका भी नंबर आएगा, तो फिर इस कंपनी का भी नंबर आ सकता है आगे भागने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड फाइनली मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं अपने बेसिस के ऊपर में कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। इनिशियली जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, बट जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा की, तो मुझे इतना कुछ प्रॉफिट नज़र इसमें दिखा नहीं। फ्यूचर में मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा और नीचे जाएगा, तो फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू टुमारो।